अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग 10 साल पूरे करने के बाद 71वें टेस्ट में आखिरकार सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया। वह अहमदाबाद के करीब मोटेरा स्टेडियम में 30 अक्टूबर 1999 के दिन सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया। इसके लिए सचिन तेंदुलकर ने कुल 494 मिनट तक बल्लेबाजी की और 344 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 29 चौके लगाए। सचिन तेंदुलकर के अलावा सदगोपाल रमेश 110 रन और सौरव गांगुली ने 125 रन बनाए थे। भारत ने अपनी पहली पारी 583 रन पर घोषित कर दी और जवाब में न्यूजीलैंड 308 रन बनाकर ढेर हो गई। कप्तान सचिन तेंदुलकर ने फॉलो ऑन न्यूजीलैंड को नहीं दिया और दूसरी पारी भारत जब खेला तो 148 रन पर 5 विकेट पर घोषित कर दिया। जवाब में न्यूजीलैंड ने केवल 15 रन बनाए क्योंकि 10 गेंदें उस इनिंग की केवल बची थी। इस तरीके से यह मैच ड्रा रहा, लेकिन सचिन के 44वें शतक के लिए यह मैच याद किया जाता है। सचिन तेंदुलकर जब 217 रन बनाकर खेल रहे थे तब न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेनियल बिटोरी ने उन्हें आउट किया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला। आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में और क्या जानकारी है कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सीरीज आगे भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।